हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 16 ऑफ GTA 4। उम्मीद है आप और आपके अपने सब करियर से होंगे। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने ग्रे का एक मिशन किया जिसमें वो सेलिब्रेटरी और एल्बेनियन ये दो गैंग हैं जिनके दरमियान हीट बढ़ा रहा है कि वो आपस में लड़े और ये दरमियान में फ़ायदा उठाए। और दूसरी तरफ हमने वो मिशन किया उसका गवर्नमेंट के लिए जहाँ पे हमने एक हेलीकॉप्टर चुरा के गवर्नमेंट को दिया है और वो कॉल भी आ गई, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। इसके पहले उठाते हैं Chopper is prepped and waiting off Grummer Road in Northwood. Your sometime accomplice Jacob is there. He's riding shotgun on this one. Jacob? The Rasta? Don't ask unnecessary questions. I want you to take out this guy's Jacob chopper. Jacob is waiting for him in Varsity Heights. No civilian casualties. No problem. स्टैंडल तो हम रोमन को कॉल करते हैं टैक्सी के लिए, क्योंकि अब हम अपने पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। रोमन को कॉल करते हैं टैक्सी के लिए, वहाँ से रोमन हमें फ्री टैक्सी भेजा करेगा। डन। Roman, it's Nico. I need the cab. Nico, I am sorry, but nothing is available. You must call back another time. Shit! हमने उसे कॉल किया और हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, हम ये वाली ही टैक्सी ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम है तो इसमें बैठते ही क्लियर हो जाएगी। डन हो गया, डेस्टिनेशन फॉर श्योर। ठीक है, मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट का भी हमने एक मिशन किया था जहाँ हेलीकॉप्टर जो है हमने चुरा के उसे दिया था गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा था कि हम आपको कॉल करेंगे क्योंकि हमने एक टारगेट एलिमिनेट करना है जो सिर्फ हवा में ही एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके अड्डे पर नहीं कर सकते। उन्होंने हमें बोला है कि दोबारा कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो जो टारगेट है वो हवा के अंदर लैमिनेट करना है, लेकिन ऐसी जगह करना है जहाँ नीचे सिविलियन ना हो। ठीक है, तो यहाँ जेकब आया उनके साथ, अब जेकब को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ, जेकब बेचारा भी फंस गया। दूसरी तरफ हमने फ्रांसिस का भी एक मिशन किया था लास्ट एपिसोड में, एक ही बंदा जिसे हमने मार दिया था वो किसी तरह समहाउ दोबारा जिंदा हो गया। मुझे नहीं पता कैसे जिंदा हो गया, लेकिन उसे हमने दोबारा मारा लास्ट एपिसोड में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस मिशन की तरफ। ये हमें ही फ्लाई करना है क्या? हमें ही फ्लाई करना है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये टारगेट है जो टेररिस्ट हैं, उन्हें ये मेरे ख्याल से पैसे वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे हमने पहले फिनिश करना है। Look at this city. ठीक है, ये रहा हमारे करीब ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तक जाना थोड़े लिए हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है। इस पे नजर रखनी है, कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए। ध्यान से सिटी के अंदर वो ड्राइव कर रहा है और उसके लिए बड़ा मुश्किल है उस तक पहुंचना हमारे लिए। नाइस, गुड, वी आर डूइंग गुड फॉर नाउ। नीचे ही है हमारे, बस कहीं क्रैश नहीं करना, कोशिश करनी है क्रैश नहीं करना, बस इस तरफ निकल रहा है वो। नाइस, निको से इंसिस्ट कर रहा है कि इसे उड़ा दो, लेकिन वो जेकब कह रहा है तुम फ्लाई करते रहो, क्योंकि यहाँ पे तो उसे किसी भी हाल में नहीं उड़ा सकते, ओपन के अंदर उड़ा सकते हैं बस। इजी तरीके से कहाँ गया वो? इधर ही था अभी। अच्छा, इस तरफ आ गया, वो है। मुझे माउस और कीबोर्ड दोनों जो है यूज करने पड़ रहे हैं। हरी आप। ठीक है, आई एम गेटिंग क्लोज। ठीक है, उसने कहा है कि क्लोज रहो, मैंने शॉट लेनी है। वी आर गेटिंग क्लोज, टेक द शॉट। नाइस, आई होप इट्स हिट हिम। ओह, हाउ डिड यू हिट हिम, हाउ डिड यू मिस मैन, मैं परफेक्टली अलाइन था। कम ऑन जेकब, कम ऑन नाउ, हिट हिम। वो कह रहा है कि तुम मिस क्यों हो रहे हो, तुम बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हो क्या? इससे ज्यादा और मैं करीब कितना हूं? फैंटास्टिक, फाइनली इसे मार ही गिराया हमने।
ये गया नाइस। ठीक है अब हमने वापस जाना है। अब होपफुली कि हमने बिल्डिंग्स के अंदर ड्राइव ना इसे फ्लाई ना करना हो। दिस ब्यूटी दिस सिटी लुक्स सो ब्यूटीफुल हाँ, स्पेशली जब आप इस गेम को इतनी ओल्ड डेटेड गेम को आप 4K पे खेल रहे हो तो बड़ी खूबसूरत लगती है। नाइट में हर चीज़ बड़ी शार्प लगती है क्योंकि 1080p पे मैंने कोशिश की थी इसे खेलने की। 1080p तो बड़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगती है ये गेम, यानी कि ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं बड़े ओल्ड ग्राफिक्स हैं, डिम डिम ग्राफिक्स लगते हैं। ठीक है यहाँ पे हमने डाउन जाना है तो कोशिश करनी है कि मैं इसे ना ही ज़्यादा मैसअप करूँ इसका, क्योंकि अगर मैसअप कर दिया तो पानी के अंदर लैंड हो जाएगा और पानी के अंदर लैंड हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। That was so close. अबे इतना करीब आके पानी में लैंड नहीं होना। Be careful. हाँ इधर सेफ है क्योंकि इधर थोड़ा आगे भी जाता तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमें। लैंड हो जा नाइस। इसके लैंड होने के साथ साथ मैं भी पूरे का पूरा हिल रहा था। ये तो जान छूट गई हमारी। सेफ डन। हेलीकॉप्टर छोड़ा जाए। मिशन कंप्लीट हो गया हमारा। फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से आई होप कि ये इसका लास्ट मिशन हो लेकिन मुझे लगता नहीं। I'd be impressed if you had been. I appreciate your assistance, Pelik. You did a good thing today. Now it's my turn. I will try to find the man you're after. I will call when I have something. Nice. तो ठीक है जी, वो बंदा अब हमें अप्रिशिएट किया जो हमने काम उसके लिए किया है और मेरे ख्याल से उसके मिशन जो हैं वो हाँ ख़त्म हो गए हैं। उसके मिशन यहाँ से ख़त्म हो गए। अब हम यहाँ जाते हैं और उसने कहा है कि मैं वो बंदा ढूंढने की कोशिश करूँगा जो बंदा तुम ढूंढने के लिए यानी इस मुल्क के अंदर आए हो, और मैं कॉल करूँगा जब मैं उसे ढूंढ लूँगा। अब हम दोबारा रोमन को कॉल करते हैं कि उसके पास टैक्सी आई है कि नहीं आई, क्योंकि उसके पास जब टैक्सी आती तो हमें फ्री में मिलती है, पैसे नहीं पे करने पड़ते। ओ नहीं, मैंने उसे हैंगअप के लिए कॉल नहीं करनी थी। हैंगअप शिट, उसने उठा लेना था, फिर उसे हमने किसी एक्टिविटी पे जाना पड़ना था जो कि मैं नहीं चाहता है। कॉल फॉर सर्विस फॉर नाउ। हे रोमन, यू कुडंट सेंड द कैब फॉर अ कजिन इन नीड कुड यू? निको, आई एम सॉरी बट नथिंग इज अवेलेबल, यू मस्ट कॉल बैक अनदर टाइम। कभी ये हमारे काम आएगा? मैं 2-3 दफा कॉल कर चुका हूँ, उसने कहा कि फिर कभी आना। ठीक है लेट्स गो। उसे नहीं बाहर निकालना, उसे बाहर नहीं निकालना। अच्छा ये बंदा बैठ के पी रहा था। हाँ वे पॉइंट डेफिनेटली वे पॉइंट। ओके हियर वी आर बको बको। अच्छा मेरे ख्याल से उस कस्टमर को निकाल के बाहर फेंक दिया था, नहीं इसलिए उसने हमें ऐसे बोला। तो ये नया करैक्टर जिसे हम पहले नहीं मिले। I'm here for someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? He's in the back. Thanks. Not handsome but beautiful. Hey, Nikki. How are you doing? How you doing, kid? Fine. ये तो मुझे फ्रेंड्स जो सीरीज है उसका एक करैक्टर याद आ गया। Yep. But can I trust you? Hmm? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Nico is always so straight. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. Let's see how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Good. But you mess up, bad things are gonna happen. You can. तो बंदा हमें टफ यानी कि दिखने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने काम कर दिया मेरा तो मैं डबल पेमेंट करूंगा, लेकिन अगर नहीं किया तो बुरी चीजें तुम्हारे साथ होंगी।
मेरे ख्याल से ये कैब खड़ी है तो यही पकड़ लेते हैं यहाँ से. फैंटास्टिक. Let's go to destination. We'll be there in no time. Thank you very much. इस जगह पे तो हम पहले भी आए हुए हैं. अच्छा चलती हुई थी गाड़ी तो हम थोड़े गिरने लगे थे. अच्छा करेक्टर जरा यूज रे टैक्स टू हेल्प अ फाइंड. ठीक है जी हमें रे का टैक्स जो आया हुआ है. अच्छा निको निकी और निको ने निकी बोल रहा है. निकी दिस माइट बी ऑफ यूज लुक आउट फॉर दिस गाय Alonso. He's one of the goons. He will tell you what you need to know if you are recessive. ठीक है जी इस बंदे को हमने ढूंढना है. कॉल रे को कॉल कैसे करें. वो बंदा तो सामने खड़ा है. ठीक है वो खड़ा है बंदा जिसकी तस्वीर देख रहे थे. अच्छा जो भी हम जानना चाहते हैं ये बंदा हम बताएगा उस बंदे के बारे में जिसे जिस तक हमने पहुंचना है. You know where the partner Teddy Benavidez is in? No sir, I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? ठीक है इससे हमने जरा डराना है. Shit man. बता ले जल्दी कर. He's up on the top floor, apartment 151K. ठीक है टॉप फ्लोर पे एक अपार्टमेंट 151K पे है वो. पर उसने कहा है कि वो फिक्स कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं लिफ्ट को. तो तुम कुछ जो है तुमने वैसे ही चल के जाना पड़ेगा कुछ फ्लोर जो है फिर तुम लिफ्ट यूज कर सकते हो. नो प्रॉब्लम. लिफ्ट तो काम कर रही है. उस बंदे ने हमसे झूठ बोला है क्या. उसने कहा था कुछ फ्लोर तुम्हें वैसे ही जाना पड़ेगा लेकिन हमने तो वैसे लिफ्ट यूज कर रही है. लिफ्ट तो काम कर रही है मेरे ख्याल से उसने कोई प्रॉब्लम की है. T-Dog, someone's coming up. Don't know how, but he knows where your apartment is. उसने ना सिर्फ हमें धोखा दिया लेकिन उस बंदे को भी धोखा दे दिया उसका एड्रेस बता के हमें. हाँ कहाँ गई ये रही. मेरे ख्याल से उसने इसीलिए हमें बोला होगा चल के जाने के लिए कि उस बंदे को टाइम मिल जाए कुछ. हाँ ये तो मारा गया. इस तरफ भी बंदा होगा मेरे ख्याल से. इस तरफ तो नहीं है. तेरी तो उसने पूरी फौज जमा की हुई यहाँ पे. हाँ मुझे पहले पता था कि इस तरफ भी कोई आइटम होने वाली है. डेफिनेटली आई हैव टू बी केयरफुल. मुझे एमओ वगैरह की जरूरत होगी. डन एमओ रीलोड करते हैं. अच्छा इसके पास भी गन है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा है. इस तरफ जाना है क्या. लेट्स सी उसकी कैसे गन उड़ती गई है. नो मोर क्यों नहीं. गन मुझे चाहिए. गन इसकी पकड़ क्यों नहीं रहा. अच्छा गन अगर हम किसी की तरफ अपनी गन को सेट किया होता तो ये बिल्कुल ही नहीं पकड़ेगा. नाइस. यहाँ पे कोने में भी है क्या कोई. ठीक है यहाँ पे पावर पड़ी हुई है तो पावर मैंने ऑलरेडी पकड़ लिया है. आराम से हमने मूव होना है. ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है. उसको गोली लगती है पूरे का पूरा हिल जाते हैं. ठीक है शॉटगन भी है. नाइस. स्टूपिड. अच्छा यहाँ पे भी है. उधर ही रह कोई प्रॉब्लम नहीं. उधर ही रहो ठहर जाओ. ये लो एंजॉय करो. अभी बाहर निकलेगा. मेरे पास और लेड नहीं पड़ता. मैं और लेड वहां पे फेंक देता. अच्छा यहाँ पे तेरी तो. अच्छा यहाँ पे हमें जरूरत तो नहीं है. डन इसी तरीके से. ठीक है हमें पावर एसएमजी की जो गोलियां हैं वो तो साथ साथ मिलती जा रही है और इतने हम एहतियात से मिशन कर रहे हैं कि हमें गोली नहीं लग रही है कोई. अच्छा एक बंदा तो इधर है. इसके हाथ पे गोली मारते. चल काम कर. अभी तो मर गया ना ये. हाँ मर गया. छोटी के लिए एक और गोली मार देते हैं ऐसे. चल नो यू गाइस गेट ट्रबल. ठीक है इसकी गोलियां पकड़ ले पहले.
गोलियां हमारे पास खत्म हुई हुई थी तो गोलियां हमारी कलेक्ट हो रही है, हमारा डबल फायदा हो रहा है क्योंकि ये गोलियां बहुत ज्यादा महंगी आती हैं। ठीक है, वो रहा उसका अपार्टमेंट। इस तरफ तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई है, इस तरफ ऊपर है पीछे है किस तरफ है? Somebody is trying to shoot me, huh? Nice. I don't give a shit. अच्छा इस तरफ जाके देख लेते हैं और भी यहाँ पे ना हो। ठीक है, गोलियां यहाँ से भी इसकी भी पकड़ ली है। ठीक है जी, इसके अंदर अभी चलते हैं। ये रहा पार्ट। उतरी तू। Nice. You should not have fucked with me. Nice. ये कौन सी जगह छुपने की? हाँ ठीक है, इसकी गोलियां पहले पकड़े सबकी। ये गोलियां किस चीज की हमें मिल रही हैं? किस चीज की गोलियां मिल रही हैं हमें? वो तेरी तो पीछे भी है हमारे, देख कर। इसको गोली मारते हैं ऐसे और ये पीछे को निकल जाएगा डेफिनेटली। अबे कहाँ गया तू? अच्छा वो उस तरफ निकल गया। मैं इसी अपार्टमेंट के अंदर आना था पहले, मैं इस अपार्टमेंट के अंदर आ गया हूँ तो मैं पहले इस अपार्टमेंट को सर्च कर लूँ। इधर भी नहीं है, ये कहाँ है वो बंदा? ये अपार्टमेंट तो टोटली खाली है। नहीं है खाली, इसके अंदर होगा डेफिनेटली। कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा स्लो है, ये तो तब पता चलेगा। टेक आउट टैडी। ठीक है, इस टैडी बेर की तो मैं सारी हवा निकाल लूंगा। अमल बेर मैं खुद निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ उसके नाम के साथ। अच्छा ही इज हेडिंग फॉर द रूफ, ऊपर की तरफ जा। अच्छा ये बंदा हमारे पीछे आया था है, इसके पिछवाड़े भी हमने दो दे दिए। रेस्ट कर बच्चे, ऐसे कामों में नहीं पड़ते। जब पप्पा जान स्पेशली आ रहे हो ना पीछे तो दौड़ जाते हैं। ठीक, इस तरफ जा रहा है वो, खुद ब खुद हमें बता रहा है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे आओ। ये जगह छुपने की कैसे बेवकूफ लोग रखे हुए हैं। अच्छा अभी भी उठ रहा है, इसकी हिम्मत देखो, पढ़ रही है और फिर भी उठ रहा है। हाँ अच्छा यहाँ पे भी नहीं है इसकी, पहले इधर से। हमें किस गन की गोलियां मिल रही है? मेरे ख्याल से पिस्टल की गोलियां मिल रही है क्योंकि एसएमजी की गोलियां तो बढ़ नहीं रही अब। ये देख इसके काम देखे। अच्छा वो वहां पे है, यहाँ पे और कोई भी नहीं है। ठीक है पिस्टल लेते हैं, पिस्टल से जो है वो डायलॉग जो है नए से नए डायलॉग वो अनलॉक होते हैं। ठीक है, हमें पिस्टल के ही गोलियां मिल रही थी डेफिनेटली, मैं तब भी कह रहा था। Gino, a lot of money. Yeah. You should have paid. Those putos too old. They're finished, fool. The city don't. कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। ये सिटी उनकी नहीं है, मैं उन्हें कुछ भी देने वाला नहीं। इसके सामने मरने के लिए खड़ा है और कह रहा है कि जाओ अपना, यानी कि ठीक है इसको गोली मार देते हैं। काम कर। ये बड़ी ऊंची बिल्डिंग से गिरा। शिट, इसका तो गोली के साथ ही चौक स्लैम हो गया। यहाँ से निकलते हैं, पुलिस की आवाज़ तो आ रही है लेकिन पुलिस है नहीं यहाँ पे। डन हो गया। ठीक है जी, रे का मेरे ख्याल से एक और मिशन रे का करते हैं। लेट्स गो रे। रे को अभी कॉल कर रहे हैं और टैक्सी। ठीक है, वो फोन पे ये बात नहीं करना चाह रहा था कि उसे हमने जैसे कॉल किया कि टेड मर गया तो वो कह रहा है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। ठीक है, वो फ़ोन बंद कर गया, कहता बाद में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा रे की तरफ ही हमने जाना। ठीक है, अब एक ही बंदा अभी वहाँ पे अवेलेबल है। रे के हमने काफ़ी ज़्यादा मिशन कर लिए। थैंक यू वेरी मच मैन, तुम तो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, तुमने तो वहाँ छोड़ा एक कदम, मुझे चलने की ज़रूरत पड़ी है। निको, रे, टेक अ सीट। थैंक यू। सो, यू टुक केयर ऑफ दैट थिंग। Yes, appreciate that. Now, I appreciate कर रहा है कि तुमने इस चीज का ध्यान रख लिया। I got a lot of friends, important friends. Jimmy Pegorino is a personal friend of mine, more or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? इसके साथ क्या हुआ? I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. What the heck? You've been what? What are you, a fucking idiot? White trash motherfucker, what is wrong with you? Man. Give me a break, okay?
I feel like death. Hey, hey, hey! What? It's because I care. Nico ने दूसरी तरफ वो कर लिया कि आप लोगों का प्रॉब्लम है. Now, speaking of the ice. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. बड़े ज़्यादा bad word use होते हैं इस game के अंदर. ज़्यादातर game पे वो restriction लगा रहे हैं कि बड़े ज़्यादा bad word हैं. तुम ज़्यादा pay नहीं करेंगे. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice. Today? Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. Three guys, good guys, friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. लुका नाम का बंदा है और वो कोई किसी किस्म की है, जो इसकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है मुझे पता नहीं. इसने डील की है किसी किस्म का, वो ड्रग है जिसके लिए इसने डील की है, तो वो हमने कलेक्ट करनी है. पर उससे पहले हमने लुका से मिलना है, वो लुका ही हमें वहां तक लेके जाएगा. ओए मार देने लगा था गरीब को. अब रोमन को कॉल करके देखे यार, अभी ही भेज दे टैक्सी, मेहरबानी तुम्हारी. कॉल सर्विस. रोमन, इट्स निको. आई नीड द कैब. वेट राइट देयर एमबी, आई एम डिस्पैचिंग वन नाउ. ठीक है जी, वो भेज रहा है. कैब आ गई है वहां पे. लेट्स गेट द कैब. वो आ रही है. ओ कैब सब कुछ उड़ाती आ रही है. यार बड़ी किलर सर्विस रखी हुई है रोमन ने. तक्का मारती हुई उड़ाती हुई आ रही है सबको. ठीक है, let's get in. I want to go to vehicle street. ये हमारी उसी वहीकल के पास छोड़ रहा है क्या? ओ यार ये वहीकल तो करीब ही थी मेरे ख्याल से, इसके पीछे खड़ी थी और मैं यहाँ पे आ गया हूँ. Luca, yeah, you Nico? I'm Nico. This is tuna fish, Johnny. Tuna fish, tuna Johnny Nico. Hey. टूना फिश. So, we're all friends. अच्छा जो टूना फिश का नाम लिया उसके साथ नहीं उसने ऐसा किया. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Nico, here's your gear. You're driving. That cool? Let's roll. It's totally cool, man. ठीक है जो उसने कपड़े दिए, हम ड्राइव करने जा रहे हैं. और क्या ड्राइव करने? जो ट्रैश ट्रक. ठीक है मेरे ख्याल से पहले इंसानों के लिए हम दूसरा कचरा उठाते थे, इंसानों का कचरा. आज हम इस सिटी का कचरा उठाने वाले हैं. एंड वी आर वर्किंग फॉर म्यूनिसिपैलिटी. म्यूनिसिपैलिटी आई थिंक सो. गलियों से कचरा उठाने के लिए आ रहे हैं हम. Her friends are the lost biker gang. I think I worked with a member of that gang up on Bohan. He was called Johnny or something. Donut, this is it. Grab the bag. टूना बैग लेने जा रहा है. बैग ग्रैब करेंगे. हाँ ग्रैब किए. प्रेस एंटर. ओके जी नाइस, हम पूरा उसे ऑपरेट कर रहे हैं. फैंटास्टिक. नहीं जी ओपन हो गया पूरा. अब फेंक दे यार. इसे बंद कर. ओ इतने बैग पड़े हैं, वो किसने उठाने हैं? भूतनी के. वो बैग भी उठा ले. दो बैग उठा के बस फॉर्मेलिटी पूरी की है. मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें उठा रहे हैं ये इनका सामान है जो उसका वो बात कर रहे थे वो ट्रक के बारे में. मेरे ख्याल से वो अंदर रख रहे हैं ये लोग. तो ये अबे बच जा. लोग क्यों अपने आगे आके मरने की कोशिश करते हैं? ये इनका माल है जो सड़कों पे कचरे की सूरत में रखा हुआ है. तो ये कचरे की गाड़ी लेके, कचरा पिकअप करने वाली गाड़ी लेके वो अपना असल में माल कलेक्ट कर रहे हैं. वेरी क्लेवर. हाँ तो दूसरा कहाँ पे है? You know how pissed Ray would get if he found out some diamonds were missing. Truck के साथ भी हम drifting कर रहे हैं. Are you kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out on profits a couple years back. Ray fed him to a dump truck. There was this point where the sounds of his scream stopped.
and all you could hear was his bones crushing. Then the pop of his skull going. I nearly lost my lunch. Nice. Yeah, this is the other one, Tota. Keep Liberty City clean. Don't. Later? Do not later? Can you open what up the heck? Back, Nikki? I will. I'm so sorry, man. बंदा तो बड़ा तंग लग रहा है अपनी जिंदगी से आवाज आ रहा है यहाँ ठीक है इसे बंद किया जाए लटक जा अच्छा मैंने अजीब बंदा है पहले इसे सही लटकने देना था हमने मुझे ये मिशन ठीक है आ गए हमेशा किसी ना किसी को पता चल जाता है हाँ मुझे पहले ही पता था कि ये माल यहाँ उठाने आ गए और ये इतना आसान तो होने वाला नहीं है कि माल उठा के हम निकल जाएं कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है ये मैं कह नहीं लगा था कि हो गया गो टू द ड्रॉप ऑफ इन फिश मार्केट साउथ ठीक है फिश मार्केट की तरफ हमने जाना है जहाँ पे ये ड्रॉप करना है लोग भाग रहे हैं उन्हें इससे मैं बचा लूँ एक बंदे की जिंदगी तो हमने बचा ली है यहाँ पे मैं कितना को फास्ट कर तुमने मुझे फरारी पकड़ाई हुई है क्या कह रहा है कि ट्रक फास्ट नहीं तुम चला सकते इससे ज्यादा फास्ट क्या ट्रक चलाऊं ब्लडी डैम ट्रक इट्स नॉट गोइंग दैट फास्ट अब जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड पे ये चल रहा है इससे ज्यादा स्पीड पे ये नहीं चल सकता अच्छी बात यह है कि इससे पीछे से कवर है हमें कुछ नहीं होने वाला देखो टर्न देखो भाई का अपने का क्या टर्न लिया है ठीक है मेरे ख्याल से हमने उन्हें खो दिया वो पीछे नहीं है अभी लूज कर दिया उन्हें हमने नाइस हो गया आई एम अ गुड ड्राइवर स्पेशली तब मैं अच्छा ड्राइवर नहीं होता जब मुझे रेस लगानी होती है आगे पीछे मैं एक अच्छा ड्राइवर ही होता हूँ यहाँ पे खड़ी करते हैं गुड ड्राइविंग निकी आई थॉट आई वाज गोना बी चेकिंग आउट फॉर श्योर हाउ दे फाइंड अस आई थॉट दैट वी वेंट टू ऑल दिस ट्रबल सो नो वन वुड नो I don't know. These diamonds are serious. Anyone who heard of them would want. I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Ray then? Nah, me and Tona will look after them. Sort them out from the trash. I sure hope we ain't lost any on the route. Things got shaken up pretty good back there. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nikki. ये बंदे मुझे सही नहीं लग रहे हैं इन्होंने कहा है कि वो जो हीरे हैं वो हम खुद ढूंढ लेंगे हो सकता है कि पीछे कुछ गिर भी हो हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे पीछे लोग लगे रहे हैं और हो सकता है कि कुछ गिर ना गए हों ये पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि ये अंदर से कोई बेईमानी कर लें ये तो आगे जाके पता चलेगा ये बेईमानी करते हैं या नहीं करते फिलहाल हमने तो अपना काम कर दिया Catch you around. ठीक है उसने कहा कि उन पे नजर रखना लेकिन नीको ने बोला कि तुम उन पे ट्रस्ट नहीं करते तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो हीरे कहाँ हैं ठीक है और आज का हम गोना एंड दिस एपिसोड हियर उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा उसी के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा अपने अपनों का ख्याल रखिएगा माहौल को साफ रखिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज ऑलवेज